हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। आज हम बात करने वाले हैं एपिग्लोटाइटिस डिजीज़ के बारे में, यानी कि जीभ में सूजन और ब्लॉकिंग, यानी जीभ में सूजन और गला में जो हमारा ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, वो होने पर हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज, यानी इसके क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स, इसके क्या लक्षण होते हैं और इस कंडीशन में किस तरह से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम इसमें कौन कौन सी मेडिसिन भी पेशेंट को दे सकते हैं जिससे वो ट्रीट हो सके। सो इन सभी टॉपिक पर वन बाई वन हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जान लेते हैं हम इस डिजीज़ के बारे में। एपिग्लोटाइटिस एक जानलेवा डिजीज़ है। ये एपिग्लोटाइटिस में होती है और जीभ के जो नीचे का जो एरियाज होती है, एरिए को एपिग्लोटाइटिस भी कहते हैं। और इस डिजीज़ से एपिग्लोटिस में सूजन और ब्लॉकिंग आ जाती है, जिसको एपिग्लोटाइटिस होने से सांस लेने में दिक्कत होती है और सूजन की वजह से फेफड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती है और दम घुटने के कारण मरीज की डेथ भी हो जाती है। ये एक सीरियस कंडीशन डिजीज़ होती है, जो कि हमने आपको बताया है स्मॉल वे में एपिग्लोटाइटिस, यानी कि जीभ में सूजन और ब्लॉकिंग होना। अब हम जानते हैं इसके कॉजेज, यानी इसके क्या कारण होते हैं जिस कारण हमें ये डिजीज हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा, यानी हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा के कारण भी ये कोज होता है, और स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग भी हमारा कोज कर जाता है इस डिजीज़ का, या केमिकल बर्निंग, यानी कोई भी केमिकल की जलने की वजह से भी ये कोज हो जाता है, और साइड इफेक्ट ऑफ अनदर डिजीज़ और केमोथेरेपी, यानी कोई दूसरी आपको डिजीज़ हो और उसमें आपकी केमोथेरेपी हो तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको ये एपिग्लोटाइटिस की डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। अब जानते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी इसके लक्षण के बारे में। तो ज़्यादातर इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसमें क्या होता है कि हाई फीवर होता है, गले में खराशें होने लगती हैं, आवाज़ जो हमारी वॉइस है उसमें हैवी साउंड होने लगता है, खाने पीने में मुश्किल होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, और इसमें क्या होता है कि मुंह से सांस लेना और खून में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से त्वचा नीली, जो स्किन होती है हमारी नीली दिखने लगती है, जिसकी वजह से हमें हमारी जो स्किन है वो नीली दिखने लगती है, गले में खराश होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, भारी आवाज़ होने लगती है और निकलने में कठिनाई होने लगती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये सभी सिम्टम्स होते हैं इसके एपिग्लोटाइटिस डिजीज़ के। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट की। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एक कैप्सूल जिसका नाम है इंजेक्शन जिसका नाम है फ्लोक्सासिलिन, जो कि आपको लेना है 250 मिलीग्राम में। अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में दो बार लगवा सकते हैं, और ये जो आपको लेना है कंटिन्यू 7 दिन तक लेना है, यानी कि कंटिन्यू आप सुबह शाम इसको लगवा सकते हैं। लैटिन टर्म की अगर बात करें तो डॉक्टर इसको ज़्यादातर जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज आ बीडी के तौर पर कर सकते हैं। सरल भाषा में बात की जाए इसकी डोज की, तो आप सुबह शाम इस इंजेक्शन को 7 दिन तक लगातार लगवा सकते हैं। अब नेक्स्ट इंजेक्शन लेना है आपको एक रेनिटिडिन या एसिलो, जो कि 50 मिलीग्राम में आपको लेना है। डोज की अगर बात की जाए तो एक दिन में एक बार इसको लगवा सकते हैं आप, और कंटिन्यू 2 दिन तक लगातार लगवा सकते हैं, यानी एक दिन में एक, दूसरे दिन में 2। और गैस की अगर दिक्कत रहती हो तो आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट डिजीज़ के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं डोज की। लैटिन टर्म की अगर बात की जाए तो इसको ज़्यादातर जो प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर ओडी या पीडी के तौर पर करते हैं। आप इसमें हमने जो आपको बताया है इस डिजीज़ के अकॉर्डिंग बताया है, जैसे कि आप इसको दिन में एक बार लगवा सकते हैं। अब लेते हैं हम एक नेक्स्ट टैबलेट जिसका नाम है क्लोरफिनारमाइन, जो कि 4 मिलीग्राम में आपको लेनी है। अगर हम बात करें इसके डोज की, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी कि पहले दिन 2 बार, दूसरे दिन भी 2 बार, तीसरे दिन भी 2 बार, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 बार ही ले सकते हैं। और लैटिन टर्म की अगर बात की जाए तो इसको एज अ बीडी भी प्रिस्क्राइब कर सकता है डॉक्टर, यानी कि सरल भाषा में बात की जाए डोज की तो इसको सुबह शाम भी यूज कर सकते हैं। और ये जो टैबलेट आपको लेनी है 4 मिलीग्राम में लेनी है, यानी कि 4 मिलीग्राम में लेनी है, जिसका नाम है क्लोरफिनारमाइन फ्लोरमाइन। और अब हम लेते हैं एक नेक्स्ट टैबलेट जिसका नाम है टैबलेट डाइजेपम, जो कि आपको लेनी है
5 मिलीग्राम यानी कि 5 mg में आपको ये टैबलेट लेनी है। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो इसको आप ज़्यादातर जो पैस रहता है बेड टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये स्लीपिंग कोर्स कर सकती है, एक दिन में एक ही बार इसको ले सकते हैं। लैटिन टर्म की अगर बात की जाए तो इसको एज अ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो ओडी के तौर पर, यानी कि बेड टाइम ही इसको इस टैबलेट को लिया जा सकता है। अब हम लेते हैं एक और नेक्स्ट टैबलेट जिसका नाम है टैबलेट एसीलॉग, जो कि आपको लेनी है 150 मिलीग्राम में यानी कि 150 mg में, और डोज की अगर बात की जाए तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 3 बार दिया जा सकता है, और कंटिन्यू 15 दिन तक ये टैबलेट आपको देनी है। और लैटिन टर्म की अगर बात की जाए तो इसको BD या TDS के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर जो अगर सरल भाषा में बात की जाए तो आप इसको एक दिन में 3 बार यानी कि सुबह दोपहर शाम भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। सो इस वीडियो में जो भी आपको मेडिसिन दिखाई गई हैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाई गई हैं, आपको ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिखाई गई हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।